सिक्के से तोले गए हेमंत के मंत्री। पासवान समाज के लोगों ने मिथिलेश ठाकुर पर जताया भरोसा। वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का गढ़वा में हुआ अनावरण। मिथिलेश ठाकुर बोले, बाबा चौहरमल ने सामंतवादी ताकतों से लिया था लोहा। रविवार को गढ़वा के नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन टाउन हॉल के समीप वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद बाबा चौहरमल कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित जुलूस में शामिल होकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल पहुंचे। यहां पासवान समाज की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम सहित सभी अतिथियों को माला पहनाकर तलवार, पुष्प गुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वीर बाबा चौहरमल ने सामंतवादी ताकतों से लोहा लेकर समाज को एकजुट किया। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पासवान समाज हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। इस प्रतिमा अनावरण का सारा श्रेय पूरे पासवान समाज को जाता है। मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक प्रणेता थे, वे मेरे आदर्श थे। उन्होंने कहा कि गढ़वा तेजी से विकास कर रहा है, हर समाज की पहचान बन रही है। मंत्री ने कहा कि 19 वर्षों तक राज्य का दोहन गरीबों, दलितों, पिछड़ों का शोषण होता रहा, अब राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को अधिकार मिल रहा है। वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति की ओर से यहाँ वीर बाबा चौहरमल जी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और आपने देखा कि पूरे पलामू प्रमंडल से पासवान समाज के लोग यहाँ बड़े जोशों खरास खरोश के साथ हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे बिहार से भी पूर्व मंत्री जी, बिहार के हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और हमारे हाउसिंग बोर्ड के झारखंड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान जी और बड़ी संख्या में पासवान समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए। निश्चित रूप से वीर बाबा चौहरमल ने पासवान समाज को एक स्थापित करने में बहुत बड़ी उनकी अहम भूमिका रही और आज पूरा पासवान समाज अपने भगवान के रूप में इनको मानता है, अपने आदर्श के रूप में इन्हें मानता है। और जिस समय शोषण दमन का चक्र था उस समय वीर बाबा चौहरमल ने अपने समाज को सुरक्षित रखने का काम किया, समाज को मजबूत बनाने का काम किया और आज वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है। इससे जो हमारे पासवान समाज के जो लोग हैं, अन्य समाज के जो लोग हैं, जो आने जो नई पीढ़ी है जो भूलती जा रही है अपने पुरोधाओं को, अपने पूर्वजों को, जरूर याद करेगी, अपने बड़ों से ये पूछने का काम करेगी कितनी किनकी प्रतिमा है, क्यों लगाई गई, तो इनका इतिहास जानकर और इनके आदर्शों पर चलने का काम करेगी। और ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि किसी भी क्षेत्र का चहुमुखी विकास तभी हो सकता है जब सामाजिक क्षेत्र से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था कर देने से ही उसको नहीं कहा जाएगा कि ये पूर्ण विकसित हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में विकसित कोई क्षेत्र होता है तभी उसे पूर्ण विकसित कहा जाता है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहा हूँ और सभी समाज के लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.